है। विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार सेवकों पर तत्कालीन सरकार द्वारा गोली चलवाने की घटना को डिफेंड किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि अमर चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर अपना कर्तव्य निभाया था। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर निर्माण और वहीं दूसरी तरफ कार सेवकों के ऊपर जो गोली चलवाई गई थी, स्वामी प्रसाद मौर्य उसे जायज ठहरा रहे, डिफेंड कर रहे हैं उसे। ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार है, सीधी बात, उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, तो वो ये कह रहे हैं गोली चलवाना उस वक्त की मजबूरी थी, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ा। जाने राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कर कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और राम मंदिर पर जारी रणनीति के बाद अब आपको अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जारी तैयारियों के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले आप रामलला के गर्भगृह के मुख्य दरवाजे को देख लीजिए। सोने से जड़ा ये दरवाजा बनकर तैयार हो गया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर लगाए गए इस दरवाजे में खूबसूरत नक्काशी की गई। हालांकि अभी अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में स्वर्ण जड़ित पहला दरवाजा लगा है। अगले 3 दिनों के भीतर ऐसे 13 और दरवाजे लगाए जाने हैं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अयोध्या ही नहीं पूरे देश में चल रही हैं। मध्य प्रदेश से रतलाम से रामलला की अखंड ज्योति अयोध्या पहुंच गई है, तो वहीं कुछ रोज पहले राजस्थान से पवित्र जल से भरे 15 जल कलश अयोध्या पहुंचाए जाएंगे, पहुंच गए हैं। जबकि गुजरात के वडोदरा से 108 फीट की लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी गई है। तो अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर में 2400 किलोग्राम का घंटा लगाया जाने वाला है। इसके अलावा 51 किलो के जो है 7 घंटे लगाए जाएंगे। मैनपुरी के जलेसर से बना ये घंटा पहुंच चुका है अयोध्या में और ये घंटा राम मंदिर में लगाया जाएगा। श्री राम मंदिर के अंदर लगेगा 2400 किलो का घंटा और मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहा हूं। और ये देखिए रामलला के मंदिर में, भगवान रामलला के मंदिर में ये लगेगा 2400 किलो का घंटा। ये भव्य तस्वीरें और स्पेशली ये डिजाइन किया गया है भगवान रामलला के मंदिर के लिए। तस्वीरें हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप लोग ये देखिए, स्पेशली डिजाइन अष्ट धातु का बना हुआ 2400 किलो का घंटा और इसे लगाया जाएगा भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर। आप जरा तस्वीरें देखिए, पैन करके हम नीचे तक की इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा और भव्य है। जब ये बजेगा भगवान रामलला के मंदिर में, तब वो कितना भव्य नजारा होगा।